नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। चलिए खबरों का दौर शुरू करेंगे बिल्कुल अलग अंदाज में। राजस्थान के लिए ऑक्सीजन को लेकर बड़ी खुशखबरी। ऑक्सीजन को लेकर बदली गई ऑक्सीजन आवंटन की पॉलिसी। अब कोरोना मरीज ऑक्सीजन की कमी से नहीं दम तोड़ेंगे। भिवाड़ी ऑक्सीजन इकाई से निकलने वाली ऑक्सीजन आवंटन का आंकड़ा बदला गया है। अब राजस्थान को 65 टन की जगह 80 टन प्रतिदिन ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाएगी। हरियाणा और दिल्ली को 20-20 टन ऑक्सीजन मिलेगी। अब एमपी को भिवाड़ी से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं की जाएगी, तो ये बड़ी खुशी की खबर है। ऑक्सीजन की कमी के चलते अब कोरोना के मरीज दम नहीं तोड़ेंगे। ऑक्सीजन से जुड़ी हुई ये बड़ी खुशखबरी, क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर अब ऑक्सीजन आवंटन की पॉलिसी को बदला गया है। अब ऑक्सीजन की कमी के चलते कोई भी कोरोना मरीज दम नहीं तोड़ेगा। भिवाड़ी ऑक्सीजन इकाई से निकलने वाली ऑक्सीजन आवंटन का आंकड़ा बदला गया। अब राजस्थान को 65 टन की जगह 80 टन ऑक्सीजन सप्लाई प्रतिदिन हो पाएगी। हरियाणा और दिल्ली को 20-20 टन ऑक्सीजन मिलेगी और अब एमपी को भिवाड़ी से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की जाएगी। कोरोना को हराने की तैयारी। 26 अप्रैल से जयपुर में शुरू होगा नए कोविड केयर सेंटर का संचालन। टोंक रोड पर बिल्वा के राधा स्वामी सत्संग परिसर में ये सेंटर तैयार हो रहा है। नए कोरोना पॉजिटिव मरीज यहां भर्ती होकर बेहतर इलाज ले पाएंगे। 26 अप्रैल तक जेडीए ने अधिकारियों को इसके संचालन को लेकर जिम्मेदारी भी सौंपी है। जेडीसी गौरव गोयल के निर्देशन में इस सेंटर को स्थापित किया गया और अब जेडीए की टीम इसकी तैयारियों में जुटी हुई है। अलग अलग अधिकारियों को इससे जुड़ी हुई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है। तो राधा स्वामी सत्संग परिसर में ये सेंटर तैयार हो रहा है, जो कि टोंक रोड पर बिल्वा के पास है। और 26 अप्रैल से जयपुर में अब नया कोविड केयर सेंटर का संचालन होगा। नए कोरोना पॉजिटिव मरीज यहां भर्ती होकर बेहतर इलाज ले पाएंगे। 26 अप्रैल तक संचालन शुरू करने के लिए जेडीए ने सभी अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां भी सौंपी है। जेडीसी गौरव गोयल के निर्देशन में ये सेंटर स्थापित करने में अब जेडीए की टीम जुटी हुई है। अलग अलग अधिकारियों को इसको लेकर अलग अलग जिम्मेदारियां मिली है। अब प्रदेश में होगी सड़कों की वीडियोग्राफी। पैचवर्क में अनियमितता की शिकायत के बाद ये फैसला किया गया है। पीडब्ल्यूडी की सतर्कता विंग करवाएगी वीडियोग्राफी। सचिव स्तर पर वीडियोग्राफी के लिए फाइल पर मंजूरी मिली है। मानसून के बाद ये पैचवर्क शुरू किया गया था। पीडब्ल्यूडी के सचिव ने इसको लेकर रिपोर्ट भी मांगी है। तो ये बड़ी बात है कि प्रदेश में सड़कों पर वीडियोग्राफी शुरू होगी। पैचवर्क में अनियमितता की शिकायत के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। पीडब्ल्यूडी की सतर्कता विंग करवाएगी वीडियोग्राफी और सचिव स्तर पर वीडियोग्राफी के लिए फाइल पर अब मंजूरी मिल चुकी है। मानसून के बाद पैचवर्क का काम शुरू किया गया था और पीडब्ल्यूडी के सचिव ने इसको लेकर पैचवर्क की रिपोर्ट भी मांगी है, ताकि उसके तहत आगे की कामकाज किया जा सके। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष शर्मा फर्स्ट इंडिया परिवार में शामिल। संपादकीय सलाहकार के पद पर आज ज्वाइन किया है। चैनल हेड जगदीश चंद्र एवं सीनियर एडिटर सैयद उमर सहित पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार ने इनके ज्वाइन करने पर हार्दिक बधाई भी दी है। अब सैयद उमर और आशुतोष शर्मा की टीम मिलकर खबरों की दुनिया में फर्स्ट इंडिया को और भी आगे ले जाएगी और फर्स्ट इंडिया को और भी बेहतर दिखाएगी। तो संपादकीय सलाहकार के पद पर आज इन्होंने ज्वाइन किया है। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष शर्मा फर्स्ट इंडिया के परिवार में शामिल हो चुके हैं और इस मौके पर सभी ने इनको बधाई दी। चैनल हेड जगदीश चंद्र और सीनियर एडिटर सैयद उमर सहित पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार ने इनके ज्वाइन करने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी, बधाई दी। अब सैयद उमर और आशुतोष शर्मा की टीम मिलकर खबरों की दुनिया में फर्स्ट इंडिया को और भी आगे ले जाएगी। अगस्त तक भारत को चौथा टीका मिलेगा। हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई के टीके को अब मंजूरी मिल सकती है। वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण का ट्रायल पूरा हो चुका है। बायोलॉजिकल ई के पास प्रतिमाह 7 करोड़ खुराक बनाने की क्षमता है। बच्चों का टीका बनाने वाली ये पुरानी कंपनी है और देश में अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीका उपलब्ध है। रूस की स्पुतनिक वी अगले मई तक यहाँ उपलब्ध हो सकती है, इसकी भी पूरी संभावना है। तो बायोलॉजिकल ई के टीके को मंजूरी मिल सकती है। हैदराबाद की कंपनी है बायोलॉजिकल ई, जो बच्चों का टीका बनाती है, और अगस्त तक भारत को चौथा टीका मिल सकता है। वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण का ट्रायल पूरा हो चुका है। बायोलॉजिकल ई के पास प्रतिमा 7 करोड़ खुराक बनाने की क्षमता है और ये कंपनी बच्चों का टीका बनाने वाली कंपनी है। देश में अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीका उपलब्ध है। रूस की स्पुतनिक वी भी अगले मई तक भारत में उपलब्ध हो सकती है।
तो रूस की स्पुतनिक वी भी अगले मई तक यहां उपलब्ध हो सकती है और अब चौथा टीका भारत में उपलब्ध हो सकता है। अगस्त तक भारत को चौथा टीका मिलेगा। हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई के टीके को मंजूरी मिल सकती है। वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण का ट्रायल यहां पूरा हो चुका है। बायोलॉजिकल ई के पास प्रतिमा 7 करोड़ खुराक बनाने की क्षमता मौजूद है। बच्चों का टीका बनाने वाली पुरानी कंपनी है बायोलॉजिकल ई और देश में अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीका उपलब्ध है। तो वहीं रूस की स्पुतनिक वी भी अगले मई तक यहां उपलब्ध हो सकती है, इसकी भी संभावना है। यानी कि भारत के पास अब जल्द ही चौथा टीका मिल पाएगा, क्योंकि बायोलॉजिकल ई के पास प्रतिमा 7 करोड़ खुराक बनाने की क्षमता मौजूद है। कोरोना के बीच काम की खबरें, ट्रेन पासपोर्ट, शादियों में मेहमानों की संख्या को लेकर खबरें। रेलवे ने नई दिल्ली अजमेर शताब्दी का संचालन रद्द कर दिया। मुंबई दुरंतो गरीब रथ डबल डेकर भी माह के अंत तक बंद हो जाएगी। जयपुर में 3 मई तक पासपोर्ट अब नहीं बनाए जाएंगे। जयपुर जिले में 30 अप्रैल तक होने 2000 शादियां होनी है। कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने गाइडलाइन की सख्ती से पालना को लेकर निर्देश भी जारी किए। 50 से अधिक मेहमानों के इकट्ठा होने पर गार्डन को सीज किया जाएगा और गार्डन के संचालक पर कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें, मेहमानों की संख्या को लेकर खबरें हैं, ट्रेन पासपोर्ट और शादियों से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेलवे ने नई दिल्ली अजमेर शताब्दी का संचालन अब रद्द कर दिया। मुंबई दुरंतो गरीब रथ डबल डेकर भी माह के अंत तक बंद हो जाएगी। जयपुर में 3 मई तक पासपोर्ट भी नहीं बनाए जाएंगे। जयपुर जिले में 30 अप्रैल तक 2000 शादियां होनी है। कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने गाइडलाइन की सख्ती से पालना को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं। 50 से अधिक मेहमानों के इकट्ठा होने पर गार्डन के संचालक को चालान भी भुगतना पड़ेगा और साथ ही गार्डन को सील भी किया जाएगा, यानी कि उचित कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी गार्डन में मौजूद जो मेहमान है उनकी संख्या 50 से अधिक होती है तो। एक देश एक वैक्सीन 3 दाम। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन के रेट जारी किए। राज्य सरकारों को 400 रूपए प्रति डोज की दर पर वैक्सीन देगी, जबकि निजी अस्पतालों को 600 रूपए प्रति डोज की दर से ये वैक्सीन मिलेगी। जिन्होंने निजी अस्पतालों में पहली डोज 250 रूपए में लगवाई है, उनकी दूसरी डोज अब बढ़ी हुई कीमत पर लगेगी। कंपनी की घोषणा के बाद वैक्सीन के दाम पर बवाल मचा है। सीरम अब तक केंद्र को 150 रूपए प्रति डोज की दर पर ये वैक्सीन दे रही है। समझौते के मुताबिक जुलाई तक इसी रेट पर ये मिलती रहेगी। अलग अलग कीमतों को लेकर विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमलावर है। तो एक ही वैक्सीन है, एक ही देश है, लेकिन दाम अलग अलग है। जी बता दें कि राज्य सरकारों को 400 रूपए प्रति डोज की दर पर ये वैक्सीन दे रही है, जबकि निजी अस्पतालों को 600 रूपए प्रति डोज की दर पर ये वैक्सीन मिलेगी। जिन्होंने निजी अस्पतालों में पहली डोज 250 रूपए में लगवाई है, उनकी अब दूसरी डोज की कीमत बढ़ी हुई कीमत के हिसाब से होगी। कंपनी की घोषणा के बाद वैक्सीन के दाम पर बवाल मचा है। सीरम अब तक केंद्र को 150 रूपए प्रति डोज की दर पर वैक्सीन दे रही है। समझौते के मुताबिक जुलाई तक इसी रेट पर यह वैक्सीन उपलब्ध रहेगी। और अलग अलग कीमतों को लेकर विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमलावर भी है। कोरोना संक्रमण काल के बीच रजिस्ट्रियां जयपुर में मकानों में भूखंडों में प्रॉपर्टी को लेकर बेतहाशा रजिस्ट्रियां हो रही है। गत वर्ष अप्रैल में 90 करोड़ की मात्र 4 रजिस्ट्रियां यहां हुई थी, लेकिन इस साल अप्रैल तक 900 रजिस्ट्रियां अब तक हो चुकी है, जिनमें प्रॉपर्टी की कीमत 500 करोड़ से भी अधिक है। इससे सरकार को अकेले जयपुर से 25 करोड़ से भी अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण काल के बीच बड़ी संख्या में रजिस्ट्रियां जयपुर में हुई है। मकानों भूखंडों प्रॉपर्टी को लेकर ये रजिस्ट्रियां की गई है। गत वर्ष अप्रैल में 90 करोड़ की मात्र 4 रजिस्ट्रियां हुई थी, लेकिन इस साल अप्रैल तक ही 900 रजिस्ट्रियां अब तक हो चुकी है, जिनमें प्रॉपर्टी की कीमत 500 करोड़ से भी अधिक है। इससे सरकार को अकेले जयपुर से ही 25 करोड़ से भी अधिक का राजस्व मिला है। तो अकेले जयपुर से ही सरकार को बड़ी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति हुई है। जयपुर से 25 करोड़ से भी अधिक का राजस्व अब तक मिल चुका है। आपको बता दें कि इस साल अप्रैल तक 900 से भी ज्यादा रजिस्ट्रियां हो चुकी है, जिनमें प्रॉपर्टी की कीमत 500 करोड़ से भी अधिक है। इससे सरकार को अकेले जयपुर से, यानी अकेले राजधानी जयपुर से 25 करोड़ से भी अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। और अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो गत वर्ष अप्रैल में 90 करोड़ की मात्र 4 रजिस्ट्रियां यहां पर हुई थी। तो मकानों भूखंडों प्रॉपर्टी को लेकर
इस साल कोरोना काल के बावजूद भी बड़ी मात्रा में रजिस्ट्रियां हुई है और ऐसे में सरकार को राजस्व भी मिला है, मुनाफा भी हुआ है। तो अकेले जयपुर की ये रजिस्ट्रियों की मैं संख्या बता रही हूँ। कोरोना काल है, हर तरफ अर्थव्यवस्था कमजोर दिखाई दे रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण काल के बीच जयपुर में रजिस्ट्रियां हुई है। और गत वर्ष जहां अप्रैल में 90 करोड़ की मात्र 4 रजिस्ट्रियां हुई थी, लेकिन इस साल अप्रैल तक 900 रजिस्ट्रियां हो चुकी है, जिनमें प्रॉपर्टी की कीमत 500 करोड़ से भी अधिक है। और इससे सरकार को अकेले राजधानी जयपुर से 25 करोड़ से भी अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। तो कोरोना काल के बीच भी सरकार को मुनाफा हुआ है, सरकार को फायदा पहुँचा है। राजधानी जयपुर से ही 25 करोड़ से भी अधिक का राजस्व सरकार को इस साल अप्रैल में प्राप्त हुआ है। और बता दें 500 करोड़ से भी अधिक इससे सरकार को अकेले जयपुर से 25 करोड़ से भी अधिक का राजस्व मिला है। पिछले साल की अगर मैं बात करूं, क्योंकि पिछले साल भी कोरोना काल था, पिछले साल अप्रैल में 90 करोड़ की मात्र 4 रजिस्ट्रियां हुई थी, लेकिन इस साल अप्रैल तक 900 रजिस्ट्रियां अब तक हो चुकी है, जिनमें प्रॉपर्टी की कीमत 500 करोड़ से भी अधिक है। इससे सरकार को अकेले राजधानी जयपुर से ही 25 करोड़ का राजस्व मिला है, यानी कि कोरोना काल में भी सरकार को इससे बेहद फायदा पहुंचा है। हालांकि हर तरफ अर्थव्यवस्था कमजोर की बातें कही जाती है, हर किसी व्यवसाय में कमी देखने को मिली है, लेकिन यहाँ एक बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि राजस्थान में अकेले जयपुर में ही सरकार को 25 करोड़ से भी अधिक का राजस्व मिला है। कोरोना संकट के बीच फीका सावा ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी व्यवसायियों को नुकसान पहुंचा। रामनवमी के सावे पर अनुमानित 225 करोड़ का नुकसान पहुंचा। पहले से बुक कार, बाइक और ज्वेलरी की समय पर डिलीवरी नहीं दे पाए, 23,000 वाहनों की डिलीवरी नहीं दे पाए। ऑटोमोबाइल डीलर्स को करीब 125 करोड़ के नुकसान की आशंका है। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स विक्रेताओं को 25 करोड़ के नुकसान की आशंका, ज्वेलर्स को भी करीब 75 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। अब व्यवसायी ही माल की डिलीवरी के लिए कर रहे हैं बुकिंग और दुकानें खोलने की लगातार मांग भी उठाई जा रही है। तो जिस तरह से जयपुर में चूंकि बहुत सारी शादियां होनी थी, करीब 2000 के करीब शादियां होनी थी, लेकिन इस सावे के बीच भी नुकसान पहुंचा है कारोबारियों को। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी व्यवसायियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। रामनवमी के मौके पर ही रामनवमी के सावे पर अनुमानित 225 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। पहले से बुक कार, पहले से बुक बाइक और ज्वेलरी की समय पर डिलीवरी नहीं दे पाए, 23,000 वाहनों की डिलीवरी समय पर ऑटोमोबाइल डीलर नहीं दे पाए। ऑटोमोबाइल डीलर्स को करीब 125 करोड़ के नुकसान की आशंका है। प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स विक्रेताओं को 25 करोड़ के नुकसान की आशंका है, और वहीं ज्वेलर्स को भी करीब 75 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। और ऐसे में व्यवसायी लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि दुकानें खोली जाए और व्यवसाय हमें करने दिया जाए, क्योंकि उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। ज्वेलर्स को करीब 75 करोड़ के नुकसान का यहां अनुमान लगाया गया। वहीं अगर बात करें प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स विक्रेताओं की, तो इन्हें 25 करोड़ के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं ऑटोमोबाइल डीलर्स को भी करीब 125 करोड़ के नुकसान की आशंका है, क्योंकि जो पहले से बुक की गई थी कार, जो पहले से बाइक बुक की गई थी, ज्वेलरी बुक की गई थी, उनकी समय पर ये व्यवसाय, ये कारोबारी समय पर डिलीवरी नहीं दे पाया, जिसके चलते ये बड़ा नुकसान इन्हें झेलना पड़ा है। और वो भी आपको बता दें, चूंकि एक बड़ा सावा था रामनवमी के सावे पर अनुमानित 225 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि समय पर डिलीवरी नहीं दे पाया, जिस तरह से कोरोना काल में तमाम व्यवसाय, तमाम व्यापारियों को बड़ा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि बाहर कोरोना फैलने का डर है, उसी के चलते राजस्थान में कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है 3 मई तक, और इसी के चलते सावे पर भी समय पर डिलीवरी नहीं दे पाए कारोबारी, जिसके चलते उन्हें नुकसान झेलना पड़ा। और अब मांग उठाई जा रही है कि हमें दुकान खोलने दी जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख करते हैं। कोरोना काल में भी सैनिटाइजर की मांग घटी है। संक्रमण बढ़ने के बावजूद भी 90% तक सैनिटाइजर की मांग बाजार में घटी है। लोगों की सैनिटाइजेशन की आदत छूटना इसमें एक बड़ी वजह माना जा रहा है। गत साल मार्च से जून तक 4 लाख लीटर सैनिटाइजर बिका था। सोडियम हाइपोक्लोरोफाइड सॉल्यूशन का कारोबार भी बड़ी मात्रा में घटा है। खुदरा विक्रेताओं के पास पुराना स्टॉक, उत्पादकों के पास अब ऑर्डर तक नहीं उपलब्ध है। जी हां, जिस तरह प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी कोरोना वायरस अपने पैर पसारता ही जा रहा है, और ऐसे में सैनिटाइजर की मांग घटना एक बड़ा डर बताती है, एक बड़ी बात बताती है कि लोगों की सैनिटाइजर को यूज करने की आदत जो है वो बदल चुकी है, वो छूट चुकी है। संक्रमण बढ़ने के बावजूद भी 90% तक सैनिटाइजर की मांग बाजार में घटी है, क्योंकि लोगों की सैनिटाइजेशन की आदत छूटना इसमें एक बड़ी वजह है।
गत साल मार्च से जून तक की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 4 लाख लीटर सैनिटाइजर बिका था। सोडियम हाइपोक्लोरोफाइड सॉल्यूशन का कारोबार भी घटा है। खुदरा विक्रेताओं के पास पुराना स्टॉक तक अब तक पड़ा है और उत्पादकों के पास तो कोई नया ऑर्डर तक मौजूद नहीं। यानी कि कोरोना काल में संक्रमण बढ़ने के बावजूद भी लोगों की सैनिटाइजेशन की आदत छूट चुकी है। लोग सैनिटाइजर अब नहीं खरीद रहे हैं और इसी के चलते सैनिटाइजर की बाजार में मांग घटी है। बड़ा नुकसान भी हुआ बाजार को भी, क्योंकि संक्रमण बढ़ने के बावजूद 90% तक सैनिटाइजर की मांग घटी है। यानी 10% लोग ही ऐसे हैं जो अब तक सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। गत साल मार्च से जून तक की अगर बात की जाए तो 4 लाख लीटर सैनिटाइजर बिका था। जिस तरह से कोरोना का कहर 2020 में देखने को मिला था, उससे भी ज्यादा कहर 2021 में देखने को मिला है। लेकिन बावजूद इसके लोगों की सैनिटाइजर को यूज करने की आदत अब छूट चुकी है और इसी के चलते इसकी मांग में भी घटोतरी देखी गई। सोडियम हाइपोक्लोरोफाइड सॉल्यूशन का कारोबार भी घटा है और खुदरा विक्रेताओं के पास पुराना स्टॉक तक नहीं बिक पाया है। उत्पादकों के पास नया ऑर्डर भी मौजूद नहीं है और इसी के चलते यहां बड़ा नुकसान झेलने को पड़ा। और सैनिटाइजर की मांग घटने से ये भी बात साफ हो जाती है कि लोग लापरवाही की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सैनिटाइजर, मास्क और 2 गज की दूरी, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको कोरोना काल में इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। लेकिन सैनिटाइजर की मांग घटना ये बात साफ बताती है कि लोगों की अब सैनिटाइजर को यूज करने की आदत में बदलाव हो चुका है, वो आदत अब छूट चुकी है। क्योंकि गत साल मार्च से जून तक 4 लाख लीटर सैनिटाइजर बिका था। देश में ऑक्सीजन की किल्लत क्यों? ऑक्सीजन को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने है, जबकि देश में ऑक्सीजन बनाने की सरप्लस क्षमता है। भारत विश्व में सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। विश्व के बड़े दवा निर्माताओं में भारत का भी नाम आता है, लेकिन बावजूद इसके अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, वैक्सीन की कमी, इंजेक्शन भी नहीं मिल पा रहे और ब्लैक में मिल रहे हैं इंजेक्शन, जिस तरह की खबरें भी सामने आई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कोविड के प्रबंधन में लापरवाही का भी आरोप लगाया है। तो देखिए किस तरह से वैक्सीन की कमी, इंजेक्शन भी समय पर नहीं मिल पा रहा, उसे भी लोगों को ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है और कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कोविड के प्रबंधन में लापरवाही का आरोप लगाया है, गबन का आरोप लगाया है। तो अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, भले ही वो प्रदेश की बात की जाए, राजधानी दिल्ली की बात की जाए, हर तरफ ऑक्सीजन की ही कमी है। विश्व के बड़े दवा निर्माताओं में भारत का भी नाम शुमार है, भारत का भी नाम आता है। भारत विश्व में सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। जिस तरह से कोरोना की दवा, कोरोना की वैक्सीन का निर्माण भी भारत में हुआ है, लेकिन बावजूद इसके यहीं पर वैक्सीन की कमी, यहीं पर इंजेक्शन की कमी, जबकि देश में ऑक्सीजन बनाने की सरप्लस क्षमता है। देश में हर तरफ कोरोना काल में कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिली है, जिसके चलते बड़ी संख्या में मरीजों की मौत भी हुई है। जबकि देश में ऑक्सीजन बनाने की सरप्लस क्षमता मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। ऑक्सीजन को लेकर भाजपा और कांग्रेस भी आमने सामने है, यानी राजनीति भी अपने चरम पर है, क्योंकि कोरोना काल में हालात बिगड़े हैं। और बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि देश में ऑक्सीजन की कमी आखिर क्यों है, किल्लत आखिर क्यों है, क्योंकि देश में ऑक्सीजन बनाने की क्षमता मौजूद है और भारत विश्व में सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। लेकिन बावजूद इसके वैक्सीन की कमी राज्यों के पास और विश्व के बड़े दवा निर्माताओं में भारत का नाम भी आता है। अस्पतालों में व्यवस्थाएं चरमरा चुकी है, ऑक्सीजन की बड़ी संख्या में कमी है, इंजेक्शन भी समय पर नहीं मिल पा रहे, इंजेक्शन भी ब्लैक में मिल रहे हैं और इसी पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कोविड के प्रबंधन में लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका, राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव की पत्र पर याचिका। मुख्य न्यायाधीश को पत्र याचिका पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो मुख्य न्यायाधीश को जो पत्र लिखा गया है उस पर हाईकोर्ट में अब कल सुनवाई होगी। पत्र में केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग उठाई। प्रदेश में समय पर ऑक्सीजन की उपलब्धता और साथ ही प्रभावी मॉनिटरिंग की भी मांग उठाई गई। मुख्य न्यायाधीश ने पत्र याचिका को स्वीकार किया है और अब इस पत्र याचिका पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका, इसमें कल सुनवाई होगी। आपको बता दें कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दी गई। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव ने यह पत्र लिखा है और मुख्य न्यायाधीश को पत्र याचिका पर अब कल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो कल इस पूरे मामले पर, इस याचिका पर कल सुनवाई होगी और इस पत्र में केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग उठाई। प्रदेश में समय पर ऑक्सीजन की उपलब्धता और साथ ही
प्रभावी मॉनिटरिंग की भी मांग उठाई गई। मुख्य न्यायाधीश ने पत्र याचिका को स्वीकार किया है और अब इस पत्र याचिका पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आरबीआई ने अमेरिका के आरोपों का खंडन किया है। कहा, रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा की जमाखोरी नहीं कर रहा। भारत को निगरानी की सूची में डालना एक गलत कदम है। विदेशी विनिमय बाजार में आरबीआई की गतिविधियां पूरी तरह से सामान्य है। अमेरिका वित्त विभाग ने भारत समेत 10 देशों को इस निगरानी की सूची में डाला है। तो आरबीआई ने अमेरिका के आरोपों का पूरी तरह से खंडन किया है। बता दें, ये कहा गया कि रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा की जमाखोरी नहीं कर रहा। भारत को निगरानी की सूची में डालना बेहद ही गलत कदम है। विदेशी विनिमय बाजार में आरबीआई की गतिविधियां पूरी तरह से सामान्य है। अमेरिका वित्त विभाग ने भारत समेत 10 देशों को इस निगरानी सूची में डाला है और अब इसी को लेकर आरबीआई ने अमेरिका के सभी आरोपों से खंडन किया है, उन्हें निराधार बताया है। कांग्रेस नेता एके वालिया की कोरोना के चलते मौत हो गई। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं वालिया और शीला दीक्षित सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे वालिया। आज सुबह वालिया ने अंतिम सांस ली है। अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमित थे वालिया और अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो कोरोना हर किसी को अपनी जद में ले रहा है। कांग्रेस नेता एके वालिया की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। शीला दीक्षित की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे और आज सुबह वालिया ने अंतिम सांस ली है। अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और पिछले कई दिनों से कोरोना से संक्रमित थे वालिया और आज सुबह इन्होंने अंतिम सांस ली है। कोरोना संकट के बीच वायुसेना ने मोर्चा संभाला है। एयरलिफ्ट कर पहुंचा रही ऑक्सीजन दवाइयां। जी हां, वायुसेना ने अब मोर्चा संभाल लिया। एयरलिफ्ट कर ऑक्सीजन और दवाइयां पहुंचाई जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बीच ऑक्सीजन दवाओं की जरूरत बेहद बढ़ चुकी है। संकट की स्थिति से निपटने के लिए अब वायुसेना ने ये मोर्चा संभाला है और ऑक्सीजन और दवाओं की जो मांग है उसकी जरूरतों को देखते हुए इसकी सप्लाई की जा रही है। आईएफ ने दिल्ली में डीआरडीओ के बनाए कोविड 19 अस्पताल में एयरलिफ्ट किया है। कोची, मुंबई, विशाखापट्टनम और बेंगलुरु तक से नर्सिंग स्टाफ को यहां एयरलिफ्ट किया गया। तो जिस तरह से कोरोना अब हर तरफ पैर पसारते ही जा रहा है, ऐसे में कोरोना संकट के बीच वायुसेना ने मोर्चा संभाला है। कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बीच ऑक्सीजन और दवाओं की मांग बहुत ज्यादा बढ़ी है। संकट की इस स्थिति से निपटने के लिए वायुसेना ने अब मोर्चा संभाला है। आईएफ ने दिल्ली में डीआरडीओ के बनाए कोविड 19 अस्पताल में एयरलिफ्ट किया गया। कोची, मुंबई, विशाखापट्टनम और बेंगलुरु तक से नर्सिंग स्टाफ को यहां एयरलिफ्ट किया है। चौबीस अप्रैल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। 18 साल से ऊपर के लोगों का रजिस्ट्रेशन अब शुरू होगा। 24 अप्रैल से कोविन ऐप पर आप रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। 1 मई से 18 साल से ऊपर आयु के लोगों को अब कोरोना टीका लगेगा और इसी के चलते इसका रजिस्ट्रेशन भी कोविन ऐप पर शुरू हो चुका है। 24 अप्रैल से कोविन ऐप पर आप रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे और टीका लगवाने के लिए आप भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो 24 अप्रैल से ये रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। 18 साल से ऊपर के लोगों का रजिस्ट्रेशन अब 24 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। क्रिकेट का महाकुंभ आईपीएल 2021, सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब को 9 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद के सीजन में और आईपीएल इतिहास में चेन्नई के मैदान पर ये पहली जीत है। हैदराबाद के खलील अहमद ने 3 विकेट लिए हैं और जॉनी बेस्टो ने नाबाद 63 रन की पारी खेली है। दूसरे मुकाबले में चेन्नई की कोलकाता पर दमदार जीत है। डुप्लेसिस 95 और ऋतुराज ने 64 रन की शानदार पारी खेली है। और आज शाम 7:30 बजे मुंबई में राजस्थान बनाम बेंगलुरु के बीच मुकाबला होगा और देखना होगा कि ये मुकाबला किसके झोली में जाएगा। कोटा की फल सब्जी मंडी में हंगामा। एरोड्राम की फल सब्जी मंडी में सब्जियां फेंकने का आरोप लगा है। सब्जी विक्रेताओं ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। मोहलत के बाद भी पुलिस पर मनमानी का आरोप लगाया गया। पुलिस के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग की मंडी में अवहेलना की जा रही थी। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि पहले ही उन पर कोरोना की मार पड़ी हुई है और अब सब्जी का नुकसान उन्हें झेलना पड़ा। तो कोटा की फल सब्जी मंडी में बड़ा हंगामा देखने को मिला। यहां एरोड्राम की फल सब्जी मंडी में सब्जियां फेंकने का आरोप लगा है। सब्जी विक्रेताओं ने पुलिस पर मनमानी करने का आरोप लगाया।
मोहलत के बाद भी पुलिस पर मनमानी करने का आरोप लगाया। और अब खबर सिरोही के आबू रोड से है। पालिका अध्यक्ष मगनदान चारण ने मानवीय मूल्यों का परिचय दिया है। जी हां, कोविड संक्रमित महिला की अर्थी को शव वाहिनी में रखवाया गया। गांधीनगर बख्शी चौराहे के पास रात भर घर की दहलीज पर यह शव पड़ा रहा। मृतका के कोरोना संक्रमित परिजन आइसोलेशन सेंटर में भर्ती हैं। घर में किसी भी सदस्य के मौजूद नहीं होने के चलते ये अंतिम संस्कार अटक गया था। पड़ोसियों ने मानवता दिखाई और मृतका का अंतिम संस्कार करवाया। नगर पालिका की ओर से क्षेत्र में अब सैनिटाइजेशन भी करवाया गया है। बाड़मेर के भादरेश में भाई बहन ने आत्महत्या की है। चचेरे भाई बहन ये मृतक थे और गांव के पास पेड़ से फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। ग्रामीण थाने के विशाला चौकी प्रभारी एएसआई भवरलाल बिश्नोई ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस का अंदेशा है कि प्रेम प्रसंग के चलते इन दोनों चचेरे भाई बहनों ने आत्महत्या की है, तो चौकी प्रभारी एएसआई भवरलाल ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।